बहुत से व्यक्तियों ने हमारे सनातन धर्म के विषय में कुप्रचार किया कि शिक्षा मात्र उच्च कुल को दी जाती थी, अन्य कुलों को नहीं दी जाती थी। दर्शकों, आज हम आपको वो कथा बताने जा रहे हैं जिसका कि कुल या गोत्र का शिक्षा ग्रहण या प्रदान करने से कोई लेना देना नहीं था। जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना था वो कर सकता था, बस उसकी ज्ञान जिज्ञासा बड़ी होनी चाहिए थी। प्राचीन काल में कर्म से वर्ण निर्धारित किए जाते थे, जन्म से नहीं। आइए इसी विषय से संबंधित हम आपको इस वीडियो में एक कहानी बताते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। ये कथा सत्यकाम जाबाल की है। ये नन्हा बालक बहुत ही जिज्ञासु था। जहाँ मंत्र उच्चारण चलता हुआ देखता उधर चला जाता और उसको दोहराकर याद करने का प्रयास करता था। एक दिन उसके नगर में ऋषि गौतम आए। वो स्नान करने नदी पर गए तो वह घाट पर उस बालक को देखा जो कोई मंत्र दोहरा रहा था। गौतम ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने तुरंत उस बालक के विषय में सब कुछ जान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और उसका परिचय पूछा। उसने अपना परिचय बताया कि वो जबाला का पुत्र जाबाल है। तो ऋषि ने कहा, पुत्र तुम बहुत जिज्ञासु और बुद्धिमान प्रतीत होते हो, अपना गोत्र बताओ, मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाकर आनंद प्राप्त होगा। उस बच्चे ने उत्तर दिया, ऋषिवर गोत्र मुझे ज्ञात नहीं, अभी माता से पूछकर बताता हूँ। वो भागकर माता के पास आया। उसकी माता एक दासी थी, स्थान स्थान पर कार्य कर जीवन यापन करती थी। बालक ने जाकर अपनी माता से सारी बात बताई और अपना गोत्र पूछा। माता ने कहा, जाओ पुत्र, ऋषि से कहना कि मेरी माता जबाला एक दासी है। वह सब स्थानों पर सभी प्रकार से सेवा करती थी। उन्हीं दिनों मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता को ज्ञात नहीं कि मेरे पिता कौन है और उनका गोत्र क्या था। बालक ने यही बात ऋषि को बता दी। ऋषि ने कहा, मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है, आज से मैं तुम्हें नया नाम देता हूँ, सत्यकाम जाबाल। और इस प्रकार वो बालक गुरु और नया नाम मिल जाने से बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी माता से आज्ञा लेकर गुरुकुल जा पहुंचा। लगभग 2 या 3 वर्ष तक वो गुरुजी की सेवा करता रहा तो गुरुजी ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसको 400 गाय दी और कहा, सत्यकाम जाबाल, जब ये गाय 1,000 हो जाएं, तब मेरे पास आ जाना। दर्शकों, उस समय परीक्षा आज के समान नहीं होती थी। गुरु बहुत कठिन माध्यमों से अपने शिष्यों को आंकते थे। सत्यकाम अपनी सभी गायों को लेकर जंगल में ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां हरियाली और जल बहुत ही कम मात्रा में था। कई वर्षों तक वह सिंहों, व्याघों आदि से अपनी गायों की रक्षा करता रहा। वह इतनी तलीनता से कार्य करता था कि उसे अपनी भी सुध-बुध का ख्याल नहीं रहता था। एक दिन अचानक एक बैल मनुष्य की भांति बोला, हम 1,000 हो गए हैं, अब हमें गुरुजी के पास ले चलो। और बैल ने ज्ञान की कई बातें सिखाई। सत्यकाम जाबाल अगले दिन भोर होते ही अपनी गायों को लेकर चला। मार्ग में अंधेरा होने पर एक स्थान पर रुक गया। वहां आग जलाई तो अग्निदेव प्रकट हुए। इसके बाद अग्निदेव ने सत्यकाम को ज्ञान दिया और बताया, कल का ज्ञान एक हंस देगा। तीसरे दिन का ज्ञान हंस ने दिया। उसने बताया कि तुमने सच्चे हृदय से गुरु आज्ञा का पालन किया है, तुम्हारा हृदय साफ है, अब कल एक जलमुर्ग ज्ञान देगा। चौथे दिन का ज्ञान जलमुर्ग ने दिया और इस प्रकार गुरु के आश्रम तक पहुंचने तक सत्यकाम जाबाल मात्र 4 दिनों में ब्रह्म ज्ञानी बन गया था। उसके मुखमंडल पर ज्ञान की आभा दमक रही थी। जब सत्यकाम आश्रम पहुंचा तो गुरु माता और गुरुजी उसे देखकर अति प्रसन्न हुए। गुरुजी तो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें ज्ञात था मार्ग में क्या क्या हुआ है। फिर भी परिहास में बोले, वत्स, तू तो बड़ा ज्ञानी लग रहा है, अवश्य ही किसी और से ज्ञान लेकर आया है। जाबाल अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप ही मेरे गुरु हैं। मार्ग में कुछ जीव मिले जो मनुष्य नहीं थे, उन्होंने मुझे अवश्य ज्ञान दिया, परंतु आपके ज्ञान दिए बिना मेरा उद्धार नहीं होगा। फिर गुरुजी ने सत्यकाम जाबाल को और भी ज्ञान की बातें सिखाई। गुरुजी ने अपने अन्य शिष्यों को बताया कि सत्यकाम जाबाल ने गुरु की आज्ञा पूर्ण की
और बिना वेद के अध्ययन के बिना पठन पाठन का समस्त ज्ञान प्राप्त किया है। इसे ज्ञान देने के लिए बैल, हंस और जलमुर्ग आए थे। बाकी शिष्यों को अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई, जो वर्षों से मात्र वेदों के अध्ययन और पठन पाठन को ज्ञान मान बैठे थे। असली ज्ञान तो जाबाल ने जंगल में रहकर प्राप्त कर लिया था। गौतम ऋषि ने सत्यकाम जाबाल को अपने आश्रम का आचार्य बना दिया और स्वयं अपनी धर्म पत्नी के साथ तपस्या के लिए चले गए। ऐसे महान गुरु और ऐसे सच्चे शिष्य को कोटि कोटि नमन। दर्शकों, सच्चा ज्ञान गुरु की आज्ञा के सच्चे हृदय से पालन से मिल जाता है, उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि गुरु और ऋषि में क्या अंतर है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।